सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज के इस वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, वो है वर्चुअल रैम का, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और या फिर आप कह सकते हो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसकी वजह से। तो ये वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट क्या है? आज तक हमने सुना था हमारे फोन में जो भी फोन है, जैसे मेरा फोन है, इसके अंदर 6GB रैम है, तो ठीक है 6GB रैम है बस फिनिश। अब ये वर्चुअल रैम का ऑप्शन कहाँ से आ गया यहाँ पर? अब ये वर्चुअल रैम है क्या, इसको समझाने के लिए पहले आपको ये समझाते हैं कि जैसे सपोज करो मेरे पास ये रैम है, इसमें 6GB की रैम, और ये 6GB की रैम है, ऐसा मैं जिस सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये 6 काम कर सकती है, यानी ये 6 ऐप को लगातार खोल सकती है अपने अंदर। उसके बाद अगर मैं 7वां ऐप खोलने की कोशिश करूँगा तो इसमें से एक ऐप को पहले हटना पड़ेगा, तब जाके वो 7वां ऐप खुलेगा ताकि वो बैकग्राउंड में प्रॉपरली रन हो सके, ठीक है। अब क्या होता है, वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो आपकी स्टोरेज है, जैसे मान के चलो मेरे फ़ोन की स्टोरेज है 64GB, इसमें से कुछ स्टोरेज वहाँ पर वर्चुअल रैम के लिए ले ली जाएगी, 4GB 3GB अपने हिसाब से उतनी स्टोरेज ले ली जाएगी। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे अभी जो मेरी रैम की कैपेसिटी थी कि वो 6 ऐप को बैकग्राउंड में रन कर सकता है, अब मैं एक 7वां ऐप रन करवाना चाह रहा हूँ। अगर ये नॉर्मल फ़ोन होता तो यहाँ पर क्या होता कि जो मेरा 6ठा ऐप है वो किल हो जाएगा और वो दूसरा ऐप ऐड हो जाएगा यहाँ पर जो मैं करना चाह रहा था, पर क्योंकि अब मेरे पास वर्चुअल रैम भी है तो वहाँ पर ये क्या होता है कि जो ऐप मेरा किल होना था उसे ही भेज देते हैं वर्चुअल ऐप में, वर्चुअल रैम में, और उसके बाद जो ऐप मैंने ओपन किया है वो 7वें नंबर का ऐप आ जाता है यहाँ पर मेरे पास, जिसे मैं आराम से रन कर पाता हूँ। तो ये है वर्चुअल रैम, जहाँ पर वो बस एक तरीके से आपकी मदद कर रही है कि जो आपके जो भी आपने फंक्शन पहले खोले हुए हैं वो वापस किल ना हो। और एक्चुअली होता क्या है, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारी आदत है या फिर कह सकते हो मेरी आदत है और मेरे दोस्तों की, मैंने क्योंकि मैंने उनमें भी देखा है, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं हम जनरली क्या करते हैं, बैकग्राउंड में जितने भी ऐप होते हैं उन्हें किल करते रहते हैं फ्रिक्वेंट बेसिस पे, और जबकि ये चीज़ गलत है, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है, सपोज करो मैंने कोई ऐप खोल लिया, मैंने 4 ऐप खोल लिए, ठीक है, अब मैंने फेसबुक खोला हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम खोला हुआ है, मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ और मैंने यूट्यूब भी खोला हुआ है। अब मैंने यूट्यूब खोला, अब मैंने वो 3ों ऐप स्वाइप करके बंद कर दिया, क्लीन कर दिया बैकग्राउंड से, अब मैं वापस, मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैं वापस खोल रहा हूँ, तो मेरे प्रोसेसर को या मेरी रैम को पूरी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उसे दोबारा से ओपन करने के लिए, जबकि अगर वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा तो उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी उसे शुरू से करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर एक हमारा डिसएडवांटेज आता है। इसलिए कभी भी हमें क्लीन नहीं करनी चाहिए अनटिल और अनलेस आप अपना फ़ोन रखने नहीं जा रहे या फिर आप गेम नहीं खेल रहे, क्योंकि गेम के लिए हमें बैकग्राउंड में कुछ नहीं चाहिए ताकि अपना जो प्रोसेसर है वो फुललेस यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। पर अगर आप बात करें इस वर्चुअल रैम की, तो वर्चुअल रैम से जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया है, आप कभी ये मत सोचना कि 8GB अगर मेरे पास फोन में रैम है और मैंने 3GB और ऐड कर ली, या फिर अभी सपोज करो मेरा फ़ोन की रैम है 6GB और अगर मैंने 4GB वर्चुअल रैम ऐड कर दी तो मेरे फ़ोन की रैम होगी 10GB, अब ये मेरा फ़ोन 10GB रैम वाला हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वर्चुअल रैम को ओरिजिनल रैम से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में अगर हम यूज़ करने की, तो डे टू डे लाइफ में कोई इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलने ही नहीं वाला, बस हाँ वो एक कॉन्सेप्ट है जो ऐड हो गया है, या फिर आप कह सकते हो एक एडवांटेज, काइंड ऑफ एडवांटेज जो ऐड हो गया है और जिसे कभी कभार कंपनी ऐसे गिमिक करके भी बेचती है कि हाँ इसमें इतनी रैम और इतनी रैम, यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ भी है जिससे आपको आजकल बच के रहना है। बाकी वर्चुअल रैम है तो अच्छी बात है और नहीं है तो ऐसा कोई नुकसान की बात नहीं है, और है भी तो कोई ऐसा आपको ज़्यादा एडवांटेज हो नहीं रहा या फिर ये नहीं होगा कि उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चार्ज करें, तो यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी फ़ोन के लिए। सो दैट्स इट गाइस, सो ये थी हमारी वर्चुअल रैम के बारे में कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहे।